हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो सैंडविच रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगेगी। यहाँ पे मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइस लिए हैं, हरा धनिया, दो मीडियम साइज के पोटैटो, मैंने इसे बॉईल करके स्मैश करके लिया है, ऑयल, एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप करके लिया है मैंने, टोमेटो केचप, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में पोटैटो को थोड़ा फ्राई करके लेती हूँ। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियन। हमें ऑनियन को अच्छे से पकाना है। ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, रेड चिली पाउडर हाफ चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच। ये सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैश टोमेटो, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। फ्रेंड्स, हमारा पोटैटो स्टफिंग बनकर रेडी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर रखती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा स्टफिंग बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम टोमेटो केचप को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर करेंगे पोटैटो का स्टफिंग। अब हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरा ब्रेड। अब हम सैंडविच को रोस्ट करेंगे। गैस के ऊपर मैंने तवा रखा है और तवा हमारा गर्म हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, आप बटर भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डालूंगी सैंडविच। एक साइड से अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। साइड से मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स, हमारे सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितनी क्रंची हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। अभी मैं इसे कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, डिलीशियस पोटैटो सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।